इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक आज। शरद पवार के आवास पर होगी ये बैठक। जाने कौन कौन होगा शामिल, क्या है एजेंडा। दिल्ली में आज विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक होने जा रही है। ये बैठक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार के घर पर होगी। सूत्रों की माने तो इस बैठक में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी और गठबंधन के सभी घटक दलों के बीच राज्य समझौते के लिए समय सीमा तय होगी, ताकि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन की योजनाओं को स्पीड मिल सके। CPIM ने अभी तक समिति के लिए किसी सदस्य को नामित नहीं किया है और वो बैठक में अनुपस्थित रहेगी। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि CPIM का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इस पर फैसला 16-17 सितंबर को होने वाली पोलित ब्यूरो की बैठक में लिया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस, DMK, JMM, शिवसेना, UPT, राजद, आप, सपा, JDU, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP शामिल होगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक नामदा बताने की शर्त पर ब्लॉक के नेताओं ने कहा कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला पिछले चुनावों में पार्टियों के प्रदर्शन पर आधारित होगा, साथ ही राज्यों में दलों की ताकत के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। आपको बता दें, गठबंधन ने 1 सितंबर को एक बयान में कहा है कि विभिन्न राज्यों में सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू की जाएगी और लेनदेन के सहयोगात्मक भावना के साथ जल्द से जल्द संपन्न की जाएगी। वही माना तो ये भी जा रहा है कि कम से कम 4 दिग्गजों, मुख्यमंत्रियों ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार के अलावा राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने मुंबई की उस बैठक के दौरान चुनावों को निकटता का हवाला देते हुए सीटों पर तत्काल चर्चा के लिए दबाव डाला था। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले साल अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की उम्मीद है। बैठक में अभियान, सोशल मीडिया, रिसर्च और मीडिया पर अन्य 4 पैनलों के कुछ प्रस्तावों पर चर्चा भी होगी और उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इन पैनलों ने पिछले कुछ हफ्तों में मुलाकात की और कई प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया, खासकर अभियान रणनीतियों पर, और उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा है। देखिए, आज हम लोग वहाँ मीटिंग में जाएंगे, पर साहब के घर में ये मीटिंग होगी। जो एजेंडा हमने तय किया है इंडिया की मुंबई के बैठक में, उसके ऊपर चर्चा होगी, अमल बजावनी होगी, अमल होगा। हम सब लोग वहाँ आ रहे हैं एक्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को BJP ने कमजोर बताते हुए निशाना साधा है, साथ ही इस बैठक पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते, तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करते हैं। बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। ललन जी बाद में जाकर नीतीश जी से पूछेंगे, अभिषेक बनर्जी बैठक में आ नहीं रहे हैं, CPM ने अभी तक अपना कोई नॉमिनी जो है उसके लिए सुपुर्द नहीं किया है, तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और MK स्टालिन ये 3 लोग हैं। तो अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो इसलिए इनको लगता है कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी को दिखावे के लिए कमेटी है। और इस सीट शेयरिंग पर ही क्या निर्णय कर सकते हैं? सीट शेयरिंग तो राज्यों के अंदर होना है ना, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तो सीट शेयरिंग हो नहीं सकती है। अब बंगाल में क्या सीट शेयरिंग करेंगे? अभी चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, CPM कांग्रेस के ज्वाइंट उम्मीदवार को 13,000 वोट आया, बुरी तरह से हार गया। केरल के अंदर बाई इलेक्शन में कांग्रेस और CPM एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो सीट शेयरिंग तो ये इस तरह की बैठकों में कर ही नहीं सकते। आपको बता दें, इंडिया के कोऑर्डिनेशन पैनल की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब DMK नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। ज्यादातर विपक्षी दल उदयनिधि की टिप्पणियों से परेशान है, क्योंकि उनका मानना है कि इससे BJP को बैठे बैठाए गठबंधन पर हमला करने का मौका जो मिल गया है। माना यह भी जा रहा है कि बैठक में इस मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।